ओ बारिश इतने तेज से बढ़ रही है ना। आपने तो आधे घंटे पहले बोला लास्ट राइड है वो। ये देख रहे हो सब ने मुझे मदद करता है, मैं हिंदू भाई हूँ। ओके सब लोग मदद करता है। तो तोड़ना है, और तोड़ना कैसे, यासिर को कंधे पे उठा के ना उस पे फेंकना है। ये चीजें जब हम करते हैं ना, ये इंसान का किरदार दिखाता है, ये इंसान का कैरेक्टर दिखाता है। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह आप सबको सलामत रखें। नए दिन की शुरुआत, और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। यू नो व्हाट, अभी माहौल कैसा चल रहा है, इर्द गिर्द हमारे माहौल चल रहा है बैसाखी का, और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है ना। सो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बाइक पर निकलते हैं फटाफट से, हमारे साथ मेहमान है आज माशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। घर में तो ये व्लॉग मैंने स्टार्ट नहीं किया, घर में क्यों नहीं किया, हम रास्ते में ही थे। तो मैंने सोचा भाई साहब नहीं, इस व्लॉग को ना स्पेशल कैसे बनाना है, बिकॉज ऑफ बैसाखी, एंड मेरी तरफ से पूरा प्यार है सिख बरादरी को। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। इस बाइक पे जो भी चढ़ता है ना वो फिर नहीं मानता है। इसको मैंने बोला उतरो पहले, हम यहाँ पे वीडियो शॉर्ट बनाएंगे। बोला नहीं भाई साहब, फिर मेरा चढ़ना इधर तो बहुत मुश्किल है, इधर ही बैठ गया। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह। अगर ऐसे नज़ारे देखने होंगे ना आपको, फिर बाइक पे निकलना लाजमी है। गाड़ी में तो ये फील नहीं आता है भाई। यहीं से आपको बहुत सारा रश देखने को मिलेगा। मैं तो पहली बार जा रहा हूँ, आप गए हो इससे पहले? ना ना मैं नहीं गया। बिस्मिल्लाह। यस, इतना सारा रश है ना भाई, यू नो बहुत रश है। हाँ हाँ मुझे लग रहा है यहाँ से बंद है। Yes. चलो जी भाई साहब, यू नो बाइक हमने यहाँ पे रख दी इस माहौल में, अब आपको सैर कराएंगे बैसाखी। पहली बार मैं जा रहा हूँ, एंड मैं इससे पहले आपको कहा था कि बारिश होती है इसके बाद, और हल्की सी बारिश होने लगी है। और जब हम वापसी के टाइम निकलेंगे ना, मुझे लग रहा है मैं पूरा भीग जाऊँगा बारिश में। लेट्स सी, होप सो सफ़र अच्छा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है आप? आ जाए फोटो। और आप कैसे हैं भाई? बढ़िया। असमो भाई कैसे हैं आप? ठीक है आप? आप कैसे? कितने दिन रहेगा अभी ये? आज लास्ट दिन है। अरे वाह, फिर तो खुश नसीब है भाई हम। थैंक यू। लास्ट डेट है आज इसका, एंड ट्राल में ही ये चल रहा है, तो मुझे पता नहीं था इससे पहले, बट अभी पता लग गया तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। आराम से भाई, आराम से। अभी हम एंट्री कहाँ से कर रहे हैं? यहाँ से। देख रहे हो भाई, ओ भाई साहब ये देख रहे हो। और यहाँ से चीजें वगैरह भी आप खरीद सकते हैं आराम से। हमने काउंटर पे पता किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये लास्ट राइड है, इसके बाद कोई और राइड नहीं होगी, क्योंकि बारिश बढ़ रही है अभी, एंड यस टाइम भी हो रहा है, बिकॉज पिछले दो दिनों से चल रहा है कंटिन्यूसली, लेकिन बदकिस्मती से हमें आज पता लग गया। बहुत अच्छा माहौल है भाई, बहुत ज़बरदस्त माहौल है, एंड सेकंड थिंग इज़ बहुत अच्छे से डिसिप्लिन है। यहाँ से भी बंद हो रहा है मार्केट, एंड यू कैन सी हियर गोलगप्पे। कैसे हैं भाई साहब? एकदम बढ़िया। कैसा चल रहा है काम? एकदम फिट चल रहा है। हाँ एकदम मजा आ रहा है। त्राल में, कश्मीर में मजा आ रहा है। कहाँ रहते हैं? 25 साल से। ओह माय गॉड, कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया हूँ। सब ने मुझे मदद करता है, मैं हिंदू भाई हूँ। ओके, सब लोग मदद करता है। सब लोग मदद करते हैं एकदम, बिल्कुल प्यार है ना कश्मीर में। चलो अल्लाह सलामत रखे। थैंक यू। चलो भाई, यू कैन सी हियर। ओह बारिश इतने तेज से पड़ रही है ना, इट्स लाइक
पूरा भीग जाएंगे आज। जो मर्जी और ठीक है, कैसी रही पैसा की? बस ठीक, बड़ी बढ़िया। कैसे हैं आप? सब बढ़िया, सब ठीक है ना? आप ठीक है? कैसी रही पैसा की? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अल्लाह सलामत रखें। थैंक यू, थैंक यू। सो बारिश इतनी तेज़ से बढ़ रही है ना, बहुत बहुत तेज़ से बारिश हो रही है अभी। अभी मशहद उस पर चढ़ सकता था लेकिन इसने माना ही नहीं, क्योंकि वो छोटे बच्चों के लिए था तो मशहद। अभी हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से आगे जो है ना गुरुद्वारा है, इट्स गुरुद्वारा सिंह सभा गुरु नानक एंड इट्स बोर्डिंग हाउस त्राल। बहुत बढ़िया, लेकिन बारिश की वजह से एवरीवन इज छुपके से रहे हैं सब लोग, यू नो। यहाँ से तो पूरा बंद हो गया है, यू नो, इधर से भी पिछले दो दिनों से चल रहा है कंटिन्यूसली। आदाब, कैसे हैं आप? बढ़िया, कैसी रही बैसाखी? बस बहुत अच्छी, बढ़िया, ठीक हो। आपको देखते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत अच्छी शायरी होती है आपकी। थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह सलामत रखे। मैं परमजीत सिंह खालसा, मेरा अकाउंट इंस्टाग्राम परमजीत सिंह। कहाँ रहते हैं आप? मैं गढ़पुरा में रहता हूँ। ओके, इसी बात पे कुछ दो लाइनें प्लीज। दो लाइनें? अरे यार प्लीज, दुआएं है ना। तो आप लेट क्यों आए? मुझे लेट, मुझे ना पता नहीं था, मुझे पता नहीं था। अभी सुनने को मिला मुझे कि पिछले दो दिनों से चल रहा है ये। हाँ। जी जी, उधर पहले दिन से। हाँ जी। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी पता लग गया कि सुबह मुझे पता लग गया कि ऐसा है। मैंने सोचा नहीं, फटाफट से जाना पड़ेगा हमें, फटाफट से आगे, बट इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, लेट पता लग गया तो, है ना। चलो आबाद रहे। थैंक यू, थैंक यू। हमने बाइक वहाँ पे रखी है, इतना भर के था ना सुबह, ये यहाँ से बाइक भी नहीं जा सकती थी, बहुत मुश्किल हो रहा था सुबह, तो पूरा भीग गया है। अब जो बचा कुचा है ना कुछ, वो बाइक पे हो जाएगा ठीक, बारिश की वजह से। मैं आपके ब्लॉग बताऊं कहां है? जम्मू से देखता हूं। हां, जम्मू में रहते हैं आप? हां। चलो बढ़िया बढ़िया। आप सही में रहते हो ना? नहीं, यहां पे त्राल में। त्राल में ही आप वहां पे गए थे? कुपवाड़ा पे? इधर हां, कुपवाड़ा सब जगह पे गया मैंने देखा था आपको। ये कितनी कितनी महंगी है? चलो भाई आ जाओ मेरे साथ ही। चलो भाई, थैंक यू। अभी हम पहुंचे हैं ऐसी कुछ जगह पे, अंदर जाके मैं इस जगह का नाम बताऊंगा आप सबको। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, और त्राल में ही है भाई साहब। तो दिस एरिया इज कॉल्ड शिकारगा। बहुत सारे लोगों को पता ही है कि शिकारगा कहाँ पे है, लेकिन एंटर होते ही ना बहुत बुरा फील होता है जब हम ऐसी कुछ चीज़ें देखते हैं। वो है भाई साहब ये देखो, यहाँ पे किसी ने आग जलाई है, खाना खाया है, कर्ड खाया है, वाटरमेलन खाया है, और सब कुछ फिर यहीं पे रखा है। आपने यहाँ पे अच्छे से अपना पेट पूजा किया है, और उसके बाद आपने इस नेचर को, इस खुदा की कुदरत को इतना ख़राब करके रखा है ना, एंटर होते ही ये देखने को मिलता है। सी, बहुत बुरा फील होता है जब ऐसी चीज़ें हम देखते हैं ना। देखो भाई, इन जगहों पे ना हमें खाली सफाई का ख्याल रखना है, बाकी अल्लाह पे छोड़ना है, क्योंकि अल्लाह की कुदरत पे ना अल्लाह ख़ुद मेंटेन करता है। लुक एट द व्यू, बहुत खूबसूरत जगह है भाई, लेकिन हम ऐसी जगहों पे आते हैं फिर खाना खा के ना ऐसे ही छोड़ते हैं, तो दैट्स नॉट गुड। ये चीज़ें जब हम करते हैं ना, ये इंसान का किरदार दिखाता है, ये इंसान का कैरेक्टर दिखाता है जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं। तो जब हम नेचर का ख्याल रखेंगे ना, तब पता लगता है कि इंसान का कैरेक्टर कैसा होता है। तो आई होप ऐसा कुछ नहीं होगा, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनसे ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। तो लेट्स मूव, लेकिन वापस जाने के टाइम हम इसको साफ़ करेंगे ना, इतना खूबसूरत और इतना मेंटेन करके रखा है ना इसको। इसके नीचे जाएंगे हम, आपको दिखाऊंगा भाई कि इसको अगर आप अंदर से भी पेंट करेंगे ना, तो इस लकड़ी की लाइफ जो है वो बहुत आगे तक जाएगी। तो होप सो इसको जल्दी से पेंट होगा। लेट्स मूव। और पहला भाई यहाँ पे काम करता है, साफ सफाई का ख्याल यही रखते हैं, और जितना जल्दी हो सके दा उमर को अनफॉलो कर दो।
देखो ये बंदे यहाँ पे सफाई का खास ख्याल रखते हैं इस एरिया में। हमें चाहिए कि ये चीजें ना ऐसे प्लीज नहीं किया करो, जहाँ भी जाया करो तो इशू करन अजाब से। तो यहाँ पे नाज शरीफ की शूटिंग चल रही है बहुत बढ़िया तरीके से, और ये इन भाई साहब की ना बजट बहुत हाई होती है भाई। ये देखो क्या करते हैं, पहले ये अपना सेटअप जो है पूरा जैसे बॉलीवुड का शूट होता है ना वैसे ही ये करके। ये भाई साहब बहुत अमीर है। ये देखो यासिर डार चैनल का नाम है एंड ये इनका सेटअप है, अभी इसको बनाना है पूरा जैसे बाहुबली मूवी में बनाया था। बजट है भाई इनके पास, हाँ बहुत बड़ी बजट है। इसके बाद इसको तोड़ना है, और तोड़ना कैसे, यासिर को कंधे पे उठा के ना उस पर फेंकना है। तो अभी एक शूट हो गया हमारा इधर, चलो भाई हम सफाई करते हैं। अरे मेरी ना अच्छी प्लेस है, वहां नहीं जला सकती, यहाँ जला वो भी लाएंगे। हाँ बैठने वाली जगह शिकार का ऐसी प्लेस थी, ये बहुत अच्छी थी, वेल डेवलप्ड थी। यहाँ पे बैठने के लिए जगह थी, डस्टबिन थे। एक साल बाद वो सारा गायब हो गया, और जो यहाँ पे है ना जो काम करने वाले उनसे हमने बात की थी, उन्हें बोला वो उन्होंने वो ना लोगों ने ही गायब कर दिए। और डस्टबिन गायब करने वाले लोगों अल्लाह से डरो। इसको इसको आप लोग क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, हम तो बोलते हैं इसको यार्ड कंदूर। एंड जो बाहर के लोग हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, अक्सर मैं कैंपिंग के वीडियोज़ में बताता हूँ कि ये ना पेट्रोल का काम देता है। अच्छा दिखाता हूँ कैसे, अब ये बुझेगा नहीं कभी। देखो भाई एक एक करके हम तो भाई हो गया। अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है वहां से, पूरा क्लीन हो गया। इसको ना एक ही जगह पे जमा करके रखेंगे, फिर जब डिपार्टमेंट इसका काम करेगा ना उनको जरूरत लगेगा। सो अभी वहां पे दूसरा है नीचे। ये चीजें बहुत काम आती है, लेकिन हमें ना इन चीजों की अहमियत नहीं है। सो इन चीजों की अहमियत होना बहुत जरूरी है, अब ये आराम से यूज कर सकते हैं। थक गया भाई, चले। चलो भाई अभी आगे की ओर। फाइनली हम पहुंचे हैं घर, और बारिश इतने ज़ोर से हो गई रास्ते में, मैंने सोचा भाई साहब कैमरा ऑफ करते हैं, पहले घर पहुंचते हैं उसके बाद आप लोगों से फिर से मिलेंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंचे हम, और फिर से पूरे सिख बरादरी को मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम अमृतसर में बहुत सारा प्यार मिला, उससे पहले चंडीगढ़ में बहुत सारा प्यार मिला है, एंड जिस एरिया में मैं रहता हूँ इट्स कॉल्ड सईमूत्राल, यहाँ पे भी बहुत सारा प्यार मिलता है, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे इखलाक वाले यहाँ पे सिख बरादरी है हमारी। तो अल्लाह आप सबको सलामत रखें, हम सबको सलामत रखें, और इस व्लॉग को मैं एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मेरी राइड स्टार्ट होगी, इंडिया राइड, जिसमें पूरी स्टेट्स हम कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि पूरी स्टेट्स कवर हो जाएं, उसके बाद अल्लाह पे सब कुछ है ज़िंदगी रही तो। तो यस उम्मीद अच्छी की रखेंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दुआ करें मेरे लिए भी, अल्लाह आप सबको सलामत रखें। अगर आप चाहते हैं कि मेरी चैनल ग्रो करें अच्छे से, उसके लिए आपको लाइक एंड कमेंट करना है, एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी करें, अगर कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो अनसब्सक्राइब कर दें। बाकी अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।